स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बॉन्ड फ्यूजन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई बॉन्ड जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होता है वो किस प्रकार से टूटता है, और अगर हम बॉन्ड तोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन में जो बीच में बॉन्ड टूटने की वजह से चीज़ें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, या बॉन्ड का टूटना, या बॉन्ड फिजन। तो इनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो पूरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए अब एक बात नॉर्मल सी बात करें कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन हो रही होगी, या इन उस रिएक्शन के अंदर दो बातें होती हैं। पहली बात ये कि ब्रेकिंग ऑफ एटलीस्ट वन बॉन्ड, एक बॉन्ड कम से कम वहाँ पर टूटता है और एक नया बॉन्ड जो है वहाँ पर बनता है। अगर एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन हो रही है। और अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, अभी तोड़ने की बात कर रहे हैं, बनाने की नहीं, तो अगर हम तोड़ने की बात करें तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली, हम अगर इसको दूसरे तरीके से कहें तो हम कहते हैं कि हम एक अगर हम एक सिग्मा या पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं, कहने का मतलब हम एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल को तोड़ रहे होते हैं। सिग्मा या पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो जब भी एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी है। तो अगर ये बॉन्ड हमको तोड़ना होता है तो हम इस ब्रेकेज को बाहर से क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रिएक्शन को हम गर्म करते हैं, या कई बार बॉन्ड टूटने की वजह से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हमको ये जो एनर्जी है ये एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए। अब हम मानते हैं कि एक जो सिग्मा बॉन्ड है उसका फिजन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। अगर उसके पास पर्याप्त जो है वो एनर्जी वहाँ पर उपलब्ध है तो वो दो तरीके से टूट सकती है। पहला तरीका है होमोलिटिक फिजन का, और दूसरा तरीका जो है वो होमोलिसिस का है, सॉरी होमोलिटिक फिजन को ही होमोलिसिस कहते हैं, और या फिर हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन जैसा कि अपने नाम से बता रहा है कि वो क्या होगा, एक जैसा फिजन होगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। हेट्रोलिटिक में क्या होगा, डिफरेंट जो है वो जो है डिफ्रेंसिएशन होगा जो, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो डिफरेंट होगा। आइए अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, और इन फिजन्स की वजह से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको भी ध्यान से देखते हैं। तो होमोलिटिक फिजन पहले आता है। होमोलिटिक फिजन में इस प्रोसेस में क्या होता है कि ईच बॉन्डिंग जो एटम्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के चले जाते हैं। कहने का मतलब, जब भी एक पाई बॉन्ड बन रहा, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, तो दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ए और बी दोनों मिलकर के इस बॉन्ड को बना रहे थे। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होमोलिटिक फिजन हो कि एक एक बॉन्ड जो है वो, सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों लेकर के चले जाए। एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है बी एटम ले ले, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ए एटम ले ले। तो इस प्रकार से जो चीज़ें बनेंगी, जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार के बैकेज का, ये होमोलिटिक फिजन का, उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स। अच्छा, एक बात आप ये भी समझिए कि हो सकता है कि आप अपने घर के सबसे लाडले बेटे रहे हों, और आपकी जो बॉन्डिंग है वो अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा रही हो, और कुछ दिन के लिए अगर आप घर से बाहर चले जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो घर से बाहर चला गया, कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो आप थे, पहले आप अपने घर में थे, आपका घर आपका क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल था, लेकिन जब आप बाहर भेजा गया, आपको दूसरे घर गए, दूसरे जिले में गए, आप दूसरे शहर में गए, और रूम लेकर के आप वहाँ पर रह रहे हैं, तो जो आप अब रह रहे हैं वो आप क्या कहला रहा है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि आपने क्या किया, शेयरिंग किया किसी के साथ। और जब आप वापस आएंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप अपनी माता जी से प्यार तो आपका उतना ही रहेगा, लेकिन अब आप उनसे थोड़ा सा दूरी बन जाएगी आपकी, क्योंकि आप उनसे रोज़ मिल नहीं सकते हैं, या अब आप आए हैं तो आपकी माता जी आपसे उतना प्यार और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप रोज़ उनके पास अब उपलब्ध नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी बदल गई है, क्यों, क्योंकि पहले ये एटॉमिक ऑर्बिटल में था, अब ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल में चला गया था, उसके बाद आपने इसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल को तोड़ा, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक एटम लेकर के चला गया। इसी को हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन, जहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स। अच्छा, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो ये क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको हम लोग सिंपल एक डॉट से जो है वो दिखाते हैं, ए डॉट एटम के साथ क्या दिखाएंगे, डॉट दिखा देंगे इस। और क्योंकि इनके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड, जो कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज जो है वो नहीं आता। चार्ज तब आ रहा था जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक ही एटम पर भेज दे रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो दोनों एक एक लेके चले गए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल का मतलब ये है ये बहुत ही रिएक्टिव है, क्योंकि ये अपने आप को तुरंत पेयरिंग करना चाहते होंगे, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, सबसे रिएक्टिव स्पीसीज हैं ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो फिजन है ज़्यादातर वेपर फेज में होता है, गैसियस फेज में ये इस प्रकार का फिजन जो है वो बॉन्ड में होता है। और ये जो फिजन है वो किसी भी तरीके की हीट से या लाइट से या ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में इस प्रकार का फिजन जो है वो आसानी से हो जाता है। अब आप एक देखिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, एक इस मिथाइल ग्रुप के साथ एक क्लोरीन ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, और इस क्लोराइड आयन के साथ जुड़ने की सॉरी क्लोराइड के जुड़ने की वजह से यहाँ पर क्या है एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अगर हीट या लाइट या ऑर्गेनिक परऑक्साइड हो यहाँ पर, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर ये इसको मिल जाता है, तो ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटता है कि ये कार्बन और ये क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाते हैं, और इसकी वजह से एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल और एक मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो बनता है। और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और इनकी जब भी रिएक्शंस होती है तो ये हमेशा एक नए या बड़े फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। जो दूसरे तरीके का फिजन है वो है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब है कि जब हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में जो एक एटम है वो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, ठीक है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों किसी एक पे चले जाए। तो दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि दो तरीके के यहाँ पर लिखा हुई है कि अगर बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा होगी तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेकर के चला जाएगा, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो या अगर ए जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो ये बॉन्ड जो है कुछ इस प्रकार टूटेगा कि ए के ऊपर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे इस तरीके से टूटने पर, ये आपके सामने दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, यानी कार्बन के ऊपर अगर चार्ज आ रहा हो पॉजिटिव चार्ज या कार्बन के ऊपर आ रहा हो नेगेटिव चार्ज, उनके बेसिस पे दो तरीके के इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट बन सकते हैं हेट्रोलिटिक फिजन में। एक होता है कार्बोनियम आयन, ठीक है, जिसको कार्बोकेटायन भी बोलते हैं आप, और दूसरा होता है कार्बन आयन। आइए हम इन दोनों को भी थोड़ा सा डिटेल में करते हुए या इनके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो जो इसमें से जो पहला है वो है हमारा कार्बोनियम आयन, ठीक है, जब कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन। ये किस प्रकार से बनता होगा, जब एक कार्बन किसी एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है जहाँ पर जो हमारा एटम है जिसके साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर होता है तो अगर ये बॉन्ड आप तोड़ोगे तो ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये कौन लेकर के चला जाएगा, हमारा मोर इलेक्ट्रिव निगेटिव एटम, और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपली पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से बॉन्ड तोड़िए कि जो एटम है जिसके साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर के वो चला जाएगा। जैसे कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब भी टूटेगा तो क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये पूरे के पूरे एटम जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उसको लेकर के चला जाएगा, और सी प्लस और सी एल माइनस जो है वो इस फॉर्म में टूट जाएगा। अब जो ये एटम बना ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। एक चीज़ और देखिएगा कि कार्बोनियम आयन जब भी बनता है अगर वहाँ पे रेजोनेंस हो, कुछ ऐसे आयन बनना जैसे कि एरोमेटिक केमिस्ट्री में भी बन सकते हैं, तो ये क्या होता है कि चार्ज के डीलोकलाइजेशन होता है, जैसे अभी हमने पिछले वीडियोज में भी आपको चार्ज का डीलोकलाइजेशन होते हुए दिखाया है। इस चार्ज के डीलोकलाइजेशन की वजह से अगर रेजोनेंस पैदा हो रही है तो कार्बोनियम आयन जो है वो मोर स्टेबल होता है। लेकिन अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हों हमारे, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे रहते हैं अगर कार्बोनियम आयन के ऊपर, तो वो स्टेबलाइज करते हैं हमारे कार्बोनियम आयन को। कैसे करेंगे, अब आप देखिए आर ग्रुप लगाया है, यानी कोई मिथाइल ग्रुप या ऐसा कोई ग्रुप लगा रहा हुआ है अगर इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं कार्बन के ऊपर। अगर कार्बन के ऊपर रिलीज करेंगे तो ये जो इससे ऊपर क्या आएगा, स्लाइट निगेटिव चार्ज, स्लाइट निगेटिव चार्ज, स्लाइट निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा सा कैंसिल करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो टर्शरी वाला है वो मोर स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो होगा वो लेस स्टेबल होगा, और प्राइमरी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा
अगर इनका कंपैरिजन हम लोग करें। कहने का मतलब कि यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्टेबल कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे प्लस आई ग्रुप। अगर निगेटिव आई ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और जो हमारा कंपाउंड है वो लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर खींचेंगे। अगर बाहर खींचेंगे तो ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। अगर कार्बोनामाइन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। अब इसी का जस्ट अपोजिट जो दूसरा जो दूसरा इंटरमीडिएट बनता है हेटरोलिटिक फ्यूजन की वजह से, उसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा हो। अगर इसी बॉन्ड को आप देखिए, जहाँ पर एक एटम कुछ कोई ऐसा एटम है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे कार्बन से, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके ऊपर आ जाएंगे, हमारे कार्बन के ऊपर। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर आ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और जो एटम जिसके साथ इस बॉन्ड बनाया था उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चले गए हैं, कार्बन के पास। ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो आपका रेजोनेंस अगर होगा कार्बन एनायन में तो वो भी क्या करेगा, स्टेबल करेगा, क्योंकि मोर जितने ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। ये हमको एरोमेटिक आयन में आसानी से देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि वहाँ पे पॉजिटिव आई ग्रुप वाले जो थे वो स्टेबलाइज कर रहे थे, तो यहाँ पर निगेटिव आई ग्रुप वाले क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे कार्बन आयन्स को। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव चार्ज है, अगर आप ऐसा कोई ग्रुप लगा दो जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे अपनी तरफ, तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइट निगेटिव चार्ज। तो ये जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से अगर निगेटिव आई ग्रुप लगे होते हैं तो कार्बन आयन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज होता है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर पॉजिटिव आई ग्रुप लगा दोगे तो आपका जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले ही इसके ऊपर निगेटिव चार्ज था और ये ग्रुप क्या करते हैं, और चार्ज को कार्बन की तरफ भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ ढकेलेंगे, जिसकी वजह से और निगेटिव चार्ज आएगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और ये लीस्ट स्टेबल है यहाँ पे टर्शरी वाला, और प्राइमरी वाला मोर स्टेबल है। और ये देखिए ये निशान इसके उल्टे बन गए, जैसे कि कैटायन के फॉर्म से जस्ट अपोजिट होता है कार्ब एनायन। तो ये थे हेटरोलिटिक एंड होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन की वजह से फ्री रेडिकल बन रहा था, हेटरोलिटिक फिजन की वजह से कार्ब एनायंस और कार्ब कैटायन बनते हैं। और ये कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और जो कार्बन फ्री रेडिकल है, यही हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, और रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में हमें आगे चल करके ये मदद करेंगे। तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।